अफ्रीका में आज भी 60 करोड़ से भी ज्यादा लोग अंधेरे में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। अफ्रीका का सारा डेजर्ट लगभग चाइना के जितने साइज का है, जिसमें हर साल 3000 से 4000 घंटे का सनलाइट मिलता है, जो कि इंडिया से डबल है। अगर सारा को पूरी तरह से सोलर पैनल से कवर कर दे तो अफ्रीका की इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आसानी से खत्म हो सकती है। और तो और पूरा सारा डेजर्ट कवर करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ये जितना पार्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उतने में भी सोलर पैनल लगा दिए जाए तो ये पूरे वर्ल्ड को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन फिर भी अफ्रीका अपनी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड का सिर्फ 0.6% ही सोलर पावर से पूरा करता है, क्योंकि इसमें कई सारी प्रॉब्लम सामने आती है। जैसे सहारा में ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रॉपर रोड्स नहीं है, और ये जो पार्ट हमें छोटा लगता है उसे पूरा कवर करने में 51 बिलियन सोलर पैनल्स लगेंगे, और इतने सारे सोलर पैनल्स का कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट मिलाकर लगभग 50 ट्रिलियन डॉलर्स होता है, जो हमारे वर्ल्ड का 60% GDP है। और हाँ, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें लगने वाला पैसा ही है।